इंदौर में एक बुजुर्ग महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि उसका बेटा गर्म पानी करते समय हीटर से चिपक गया था। बेटे के चीखने पर माँ वहां मदद के लिए पहुंची। बेटे को हीटर से दूर करने के लिए माँ ने उसे हाथ लगाया और वो भी करंट की चपेट में आकर गिर गई। उन्हें उपचार के लिए एमवी अस्पताल लेकर आया गया, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना महेशबाग कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुंदरबाई पति स्वर्गीय शंकरलाल की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बेटा कमलेश अपनी 3 साल की बेटी को नहलाने के लिए हीटर पर पानी गर्म कर रहा था। हीटर से पानी का बर्तन उतारने के दौरान उसे करंट लगा और वह चीखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। बेटे के चीखने की आवाज सुनकर माँ सुंदरबाई उसे बचाने पहुंची। बेटे का हाथ पकड़ कर उसे हीटर से दूर करने के दौरान महिला को करंट का जोरदार झटका लगा और इसके चलते वो भी वहीं गिर गई। माँ बेटे को पड़ोस में रहने वाले लोग अस्पताल लेकर गए, जहाँ सुंदरबाई को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं बेटे कमलेश का बाया हाथ भी हादसे में झुलस गया है। महिला मेरी नानी जी लगती है और बच्चे नहा रहे थे, मामा जी पानी लेने गए थे, तो जैसे उठाया तो करंट लगा मामा जी को। मामा जी 10 मिनट लग बेहोश रहे, करंट का झटका छोड़ा नहीं, और नानी जी ने उनको पकड़ने के लिए डायरेक्ट हीटर उठाया तो नानी जी भी चिपक गए। तो नानी जी का मतलब ऑन द स्पॉट मतलब हो गया था और मामा जी का थोड़ा डिस्चार्ज कर दे यहाँ पर। अस्पताल शायद कॉलोनी वाली ने लेके आया था। आपका नाम बताओ? सौरभ कुशवाहा नाम है मेरा। अस्पताल ला लेते, नानी जी की भी एक्सपायर हो गए थे। ठीक, थैंक यू। मर्ग के संबंध में सूचना मिली है कि एक महिला है सुंदरबाई पति स्वर्गीय शंकर लाल, निवास है इनका महेशबाग कॉलोनी इंदौर, इनकी करंट लगने से मृत्यु होना बताया। परिजन ने बताया है सर, अभी तो इसके संबंध में पीएम होने के बाद ही असल कारण मालूम पड़ेगा। नहीं, ऐसी कुछ जानकारी नहीं है अभी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।